तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज के लेसन में हम कम्प्लीटली बिल्डिंग फाउंडेशन के सारे राज यहां पर हम खोलने वाले हैं इस वीडियो में कि बिल्डिंग फाउंडेशन क्यों जरूरी है, कैसे देना है, कौन सा फुटिंग कब देना है, क्या होता है फाउंडेशन, ये कम्प्लीटली जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट जल्दी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो लिंक जो रहेगा उसके बारे में डिटेल मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और साथ के साथ इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो कि सिविल गुरुजी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर अवेलेबल है उसमें से एक वीडियो में आप लोगों के लिए ओपन करने वाला हूं और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं और कैसे ज्वाइन होना है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में वो भी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जब हम जानते हैं फाउंडेशन के बारे में कि फाउंडेशन होता क्या है, फाउंडेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है जिसको हम यदि मैं डिफाइन करूं तो ये ऐसा पार्ट है स्ट्रक्चर का जो ट्रांसफर करता है लोड को जो कि खुद पर उस पर कंस्ट्रक्ट है, मतलब जो जिस लोड को मैं ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं ये फाउंडेशन पार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है। और साथ के साथ ये जो लोड होता है ये लार्ज एरिया जो सॉइल का लार्ज एरिया है उसको यूज करने के बाद सारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे अर्थ सरफेस में। और साथ के साथ एक चीज और समझेंगे, किसी भी तरह की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो एक्सीड नहीं होती। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका अभी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक ऐसी चीज मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं जो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को नहीं सिखाया जाता, वो कंप्लीटली बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है। साथ के साथ फाउंडेशन पार्ट जो होता है यहां पर किसी भी तरह का सेटलमेंट जो होता है स्ट्रक्चर का वो रिमेन क्या रहता है, टॉलरेबल लिमिट के अंदर रहता है। जब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो हमारे बिल्डिंग का सेटलमेंट कुछ माइन्यूट पार्ट होता है लेकिन वो इक्वली होना चाहिए। अगर अनइक्वल होगा तो उसका क्या नुकसान होगा वो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि क्या नुकसान होते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं व्हाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, क्यों फाउंडेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। देखिए फाउंडेशन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द सॉइल, क्योंकि लार्ज एरिया में हमारे स्ट्रक्चर का वेट को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ में अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट, देखिए अनइक्वल सेटलमेंट मतलब ये मैंने इमेज लगाया एक, यदि आप देखेंगे यहां पर दो घर बनाए हैं बैड और गुड, बैड मतलब यहां पे जो सेटलमेंट हुआ है वो अनइक्वल हुआ है लेकिन गुड में आप देखेंगे इक्वली सेटलमेंट हो रहा है हमारे बिल्डिंग का, इसलिए हमारा फाउंडेशन पार्ट बेहद ही देना जरूरी होता है। साथ में प्रिवेंट करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, देखिए लेटरल मूवमेंट और स्टेबिलिटी जो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इनको मैं रिलेट करता हूं। देखिए क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल को जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा सा नीचे एक्सकवेट करते हैं सॉइल को तब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले यदि मैं अर्थ सरफेस पर जिसको हम नेचुरल ग्राउंड लेवल है वहीं पर मैं प्रोवाइड करूंगा तो एक तो वहां पर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, दूसरा ओवर टर्निंग जिसको मैं लेटरल मूवमेंट कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है वो, इसलिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना करे। इसलिए हम कभी भी फाउंडेशन पार्ट को नेचुरल ग्राउंड लेवल पर ना देकर हम देते हैं कहां पे बिलो द ग्राउंड सरफेस में, इसलिए फाउंडेशन पार्ट को देना बेहद ही जरूरी है हमारे लिए और फाउंडेशन पार्ट को बिलो द ग्राउंड लेवल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि सर फाउंडेशन पार्ट को हम एनजीएल पर दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सबसे पहला रीजन, हमें बेयरिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेयरिंग कैपेसिटी मतलब जितना मैं नीचे जाऊंगा सॉइल के उतना बेयरिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, मुझे ये समझना है कि मेरे स्ट्रक्चर से आने वाला लोड कितना बेयरिंग कैपेसिटी उसको चाहिए, जिसको हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में हम डिजाइन करते हैं। अल्टीमेट मतलब होता है लास्ट पॉइंट जो कि मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो में। अब क्वेश्चन आता है यहां पे व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग, कि क्यों अलग अलग तरह की फुटिंग होती है। देखिए आप लोगों को पता है कि जब सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है सभी सॉइल की, साथ में उसका सॉइल का प्रोफाइल, साइज, लोड ऑफ द स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं डिफरेंट काइंड की फाउंडेशन लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन रहेगी तो ये वाली फाउंडेशन, ये कंडीशन रहेगी तो ये फाउंडेशन, तो उसके बारे में अभी डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं कि और किस तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब आता है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कि कितने तरह की फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन तो केवल दो ही तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है, सबसे पहले शैलो और देन डीप। शैलो फाउंडेशन मतलब ऐसी फाउंडेशन जिसका विड्थ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ, दैट इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन की यदि मैं बात करूं तो ऐसी फाउंडेशन जिसका डेप्थ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, दैट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन।
अब यहां पर हम समझते हैं एक चार्ट की सहायता से कि फाउंडेशन जो होती है दो तरह की होती है, शैलो और डीप। लेकिन शैलो फाउंडेशन के अंदर जो फाउंडेशन आती है वो आती है आइसोलेटेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर, राफ्ट और मैट। देखिए ये इतनी तरह की फाउंडेशन होती है जो शैलो फाउंडेशन के अंदर लाई करती है। और डीप फाउंडेशन की यदि मैं बात करूं तो पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, कैशन फाउंडेशन, केवल ये तीन तरह की फाउंडेशन हमारे डीप फाउंडेशन में लाई करती है। देखिए डीप मतलब फिर से समझिए, जिसकी डेप्थ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, दैट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। यदि मैं शैलो फाउंडेशन की बात करूं तो जिसका विड्थ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ, दैट इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। यहां पर एक वर्ड आया आइसोलेटेड। देखिए आइसोलेटेड मतलब जैसे आज के टाइम में मैं बात करूं तो कोरोना चल रहा है, कोरोना में जिन लोगों को कोरोना सस्पेक्टेड होते हैं उनको आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेटेड मतलब अलग कर देते हैं। सेम यहां भी जैसी फाउंडेशन अलग अलग फाउंडेशन होंगी दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग। वॉल फुटिंग मतलब जो वॉल की शेप में हम आरसीसी वॉल प्रोवाइड कर देते हैं फुटिंग से कनेक्ट करके, दैट इज कॉल्ड वॉल फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग मतलब दो या दो से ज्यादा कॉलम एक ही फुटिंग में आ जाए, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग मतलब दो फुटिंग को एक बीम की सहायता से मैं कनेक्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग या कैंटिलीवर फुटिंग भी बोलते हैं। राफ्ट और मैट मतलब पूरे ही अर्थ सरफेस को, पूरे ही प्लॉट को मैं एक्सकवेट करके केवल एक सिंगल फुटिंग दूं और पूरी बिल्डिंग के कॉलम एक ही फुटिंग के अंदर आए, दैट इज कॉल्ड राफ्ट और मैट फाउंडेशन। इसके बारे में और डिटेल में आपको कंप्लीटली बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में। अब आते हैं यहां पर हम कंप्लीटली पढ़ते हैं डिटेल में कि शैलो फाउंडेशन। देखिए शैलो फाउंडेशन मतलब, देखिए शैलो फाउंडेशन अभी मैंने आपको बताया कि डेप्थ लो होगी तो हमारा जो फाउंडेशन है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल क्यों होगा? क्योंकि जितना डेप्थ में नीचे जाएंगे उतना हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारा शैलो फाउंडेशन हो गया तो हमें ज्यादा डेप्थ में नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा। साथ के साथ यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये लाइट वेट स्ट्रक्चर में मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा यहां पर अलग अलग केसेस हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या केसेस होते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी इंटरव्यू में फाउंडेशन पार्ट का क्वेश्चन उठ जाता है आपके ऊपर, तो आप एकदम कैपेबल हैं इंटरव्यू में आंसर करने के लिए। तो समझते हैं यहां पे आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग को। देखिए ये जो फुटिंग है बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है, मतलब इसको जो जनरली बोलते हैं वो रेक्टेंगल फुटिंग सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर होती है। रेक्टेंगल फुटिंग, साथ में ट्रेपेजोडल फुटिंग, साथ में स्टेप्ड फुटिंग, तीन तरह की जनरली फुटिंग्स आती हैं इसके अंदर। अब ये जो फुटिंग होती है आपकी आइसोलेटेड फुटिंग, ये केवल मैं बात करूं कोई बिल्डिंग है फाइव स्टोरीज तो फाइव स्टोरीज तक कैपेबल करती है ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन इसके बाद हमें डीप फाउंडेशन की या अदर अदर फाउंडेशन जो होते हैं उनकी तरफ जाना होता है। तो यहां पर आगे मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंगल पैड फुटिंग, जिसको रेक्टेंगल फुटिंग बोलते हैं। स्टेप फुटिंग जो कि आपके स्टेप की तरह होती है, जैसे सीढ़ियां होती हैं। स्लोप फुटिंग, स्लोप फुटिंग मतलब जिसको ट्रेपेजोइडल फुटिंग भी बोलते हैं। अब यहां पर एक बात जरूर समझिए कि हम जब डिसाइड करते हैं फुटिंग्स को तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, कि जो लोड है स्ट्रक्चर का वो कैसा है हमारा, तो कॉलम का जो स्पेस है बिल्कुल भी पास पास ना हो जिससे हमारी बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं होगी, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कवर अप होना चाहिए। साथ में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो होनी चाहिए वो हाई होगी, यदि तो हमें ज्यादा नीचे डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। वरना मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूं तो 5 फीट से लेकर 9 फीट तो एक रेंज होती है जिसमें हमें हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड हो ही जाता है, जिसको हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। अब आप लोग देखेंगे, देखिए ये जो फुटिंग दिख रही है आपको ये है रेक्टेंगल फुटिंग, ये जो फुटिंग है ये है रेक्टेंगल फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है रेक्टेंगल फुटिंग। अब यहां पर नेक्स्ट केस आता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ट्रेपेजोइडल फुटिंग मतलब जैसा कि आप नीचे रेक्टेंगल देख रहे हैं इसी के ऊपर आपने ट्रेपेजोइडल शेप दे दी, किसकी, कंक्रीट की, आपने स्लोप बना दिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल फुटिंग। मोस्ट इकोनॉमिकल फुटिंग बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आज मैं। साथ में यह है स्टेप्ड फुटिंग, देखिए इसमें स्टेप की तरह है, एक रेक्टेंगल फिर उससे छोटा रेक्टेंगल यहां पर दिया गया है, तो दो पार्ट में क्या होते हैं कास्ट होती है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि मैंने तीनों फुटिंग को एक साथ रख दिया, यहां पे पैड फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्लोप फुटिंग। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पैड फुटिंग मतलब रेक्टेंगल फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्लोप फुटिंग मतलब ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तीनों फुटिंग का मैंने साइज एकदम सेम रखा है। अब आप लोग एक चीज देखिए, अगर मैंने किसी स्ट्रक्चर में पैड फुटिंग प्रोवाइड किया और वहां पर अब लोड ज्यादा हो गया तो मुझे फुटिंग का साइज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फुटिंग का मुझे लेंथ और विड्थ बढ़ाना पड़ेगा या डेप्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं उसी कंडीशन पे मैंने स्लोप फुटिंग प्रोवाइड कर दी, तो देखिए स्लोप फुटिंग में क्या होता है, मुझे लेंथ और विड्थ ना बढ़ाकर मैं उसकी डेप्थ बढ़ाता हूं। और आप लोग देखें जरा ये रेनफोर्समेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर रेनफोर्समेंट तीनों में सेम है। अगर मैं किसी फुटिंग का लेंथ विड्थ बढ़ाऊंगा तो उसका क्या होगा, रेनफोर्समेंट इंक्रीज भी करना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली। लेकिन यहां पर मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा तो मुझे रेनफोर्समेंट इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस फुटिंग को बोलते हैं इकोनॉमिकल फुटिंग, मोस्ट इकोनॉमिकल फुटिंग, जो कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं स्लोप फुटिंग, क्योंकि कम एरिया में कम लागत में सबसे ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम होती है हमारी कौन सी फुटिंग, स्लोप फुटिंग। दोस्तों अब हम समझते हैं वॉल फुटिंग के बारे में। देखिए वॉल फुटिंग जो होती है इसको कंटिन्यू
कंटिन्यूस फुटिंग भी बोलते हैं। ये जो फुटिंग होती है ये डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को, जो स्ट्रक्चर मेंबर हो या नॉन स्ट्रक्चर मेंबर हो, जिसको लोड बियरिंग वॉल्स भी बोलते हैं हम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज दी गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक फुटिंग है और यहाँ पर वॉल है। जो वॉल रहेगी आपके फुटिंग की ये भी क्या है, आरसीसी की वॉल है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वॉल रहेगी इसका 2 से 3 times ज़्यादा रहता है विड्थ किसका, हमारे फुटिंग का, तब ये बनती है हमारी कौन सी फुटिंग, वॉल फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग मतलब ऐसी फुटिंग जो एक या एक से ज़्यादा कॉलम एक ही फुटिंग में अगर लाए करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। अब ये समझते हैं कि ये फुटिंग कब प्रोवाइड करेंगे। देखिए इसकी कंडीशन अलग अलग, पहली कंडीशन जब हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होगी तब हम प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ हमारा जो दो फुटिंग है उनके बीच का एरिया इतना कम हो जा रहा है कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे में, मतलब फुटिंग क्या हो गया, ओवरलैप हो रहे हैं दो फुटिंग, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक ही फुटिंग प्रोवाइड करेंगे और एक ही फुटिंग के अंदर दोनों कॉलम हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक बात यहां पर समझिएगा कि इस फुटिंग से फायदा क्या हुआ। देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लोड है वो हमारा फुटिंग के एरिया में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो भी हमारे फुटिंग के एरिया में है वो क्या करता है, कॉन्साइड कर लेता है किसके साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। यदि ये हमारा डिस्प्लेस हुआ तो हम 360 डिग्री इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये कंडीशन फॉलो करवानी पड़ती है। तो देखिए अब ये जो दिया गया है ये कंबाइंड फुटिंग है जिसमें एक ही फुटिंग के अंदर दो कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो 2 से ज्यादा कॉलम एक ही फुटिंग के अंदर दिए गए हैं, ये होती है हमारी कौन सी फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट फुटिंग आती है स्ट्रैप फुटिंग। देखिए स्ट्रैप फुटिंग हमारे कंबाइंड फुटिंग के जैसे ही है, लेकिन यहां पर क्या होता है, दो फुटिंग के बीच में, देखिए यहां पर आप देखेंगे दो फुटिंग है, दो फुटिंग के बीच में एक बीम दी गई है, दिस बीम इज नोन एज स्ट्रैप बीम एंड दिस फुटिंग इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। देखिए यहां पर आपके पास दो फुटिंग के बीच में आप देख रहे हैं एक बीम है, मान लीजिए किसी भी एक फुटिंग का लोड सहने की जो क्षमता है वो कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो उसके नियर अबाउट जो लोड कैपेबल फुटिंग है हमारी, जो लोड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ऐसी फुटिंग को हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं किससे, एक बीम की सहायता से। साथ ही साथ राइट साइड मैंने एक इमेज और लगाई है, यहां पर जरा ध्यान से समझिए, यहां पर एडजॉइनिंग वॉल लिखा हुआ है। एडजॉइनिंग वॉल मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी है इसके बाद, और यहां पर मुझे अपनी वॉल स्टार्ट करनी है, तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में हम कि एक फुटिंग को इसेंट्रिक प्रोवाइड करते हैं। इसेंट्रिक मतलब जो कॉलम हमारा सेंटर पे नहीं लाए करेगा उस कॉलम को बोलते हैं इसेंट्रिक कॉलम, और दिस फुटिंग इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिक फुटिंग। ऐसे कंडीशन में हो सकता है, देखिए अब यहां पर कंडीशन समझिए कि या तो हो सकता है ये यहां पर ऊपर ज्यादा लोड नहीं आ रहा इस फुटिंग के ऊपर, तो ठीक है कैपेबल है, कोई इशू नहीं है, छोड़ देंगे ऐसी। लेकिन अगर इस फुटिंग के ऊपर ज्यादा लोड होगा, मैक्सिमम लोड होगा, तब हम क्या करते हैं इस फुटिंग को एक नियर अबाउट फुटिंग जो कि सेंट्रिक फुटिंग है उसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे स्ट्रैप बीम की सहायता से, एंड दिस फुटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैप फुटिंग। देखिए राफ्ट और मैट फाउंडेशन का केस तब आता है जब पाइल फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन सुटेबल नहीं है, साथ के साथ बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की वो अधूरी है, मतलब इनएडिक्वेट है, साथ में लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड कंटिन्यूअसली, मतलब कि हम जब बात करते हैं कि हमारे जो प्लॉट है उस प्लॉट में पूरे में एरिया में हमें एक ही फुटिंग प्रोवाइड करनी है और सभी कॉलम एक ही फुटिंग के साथ कनेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड राफ्ट और मैट। कुछ ऐसा दिखता है हमें कि एक ही फुटिंग में सभी कॉलम हमारे कास्ट हो गए। और साथ के साथ यहां पर एक चीज और समझेंगे कि मैं इस फुटिंग को राफ्ट बोलूं या मैट बोलूं, तो देखिए यहां पर क्या होता है, यदि मैं इसके थिकनेस की बात करूं, जो फुटिंग का थिकनेस होता है यदि वो 300 mm से लेकर 450 mm के बीच में रहेगा तो दिस फुटिंग इज कॉल्ड मैट फुटिंग, एंड अगर 450 mm से ज्यादा रहेगा इज ग्रेटर देन 450 mm, ऐसे कंडीशन में इस फुटिंग को बोला जाता है राफ्ट फुटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट डीप फाउंडेशन के बारे में, जो कि मैं वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें डीप फाउंडेशन के अलग अलग केसेस देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, इनकैशन फाउंडेशन कब देते हैं, क्या होता है वो कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो अपलोड करके आप लोगों के लिए दे दूंगा। सिविल गुरुजी कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के लिए वर्क कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जो भी टॉपिक हो सके हम यहां पर कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।